Your question is, differentiate between tropic and nestic movements. तो हमें क्या डिफरेंशिएट करना है ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट्स को. तो ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट का डिफरेंस हम बताएंगे इधर. तो पहले तो ग्रोथ में डिफरेंस होता है. कैसे ग्रोथ डिफरेंस? नेस्टिक में इंडिपेंडेंट ग्रोथ होता है. कैसा ग्रोथ? वेट, इंडिपेंडेंट. वही ट्रॉपिक में होता है डिपेंडेंट, निर्भर होता है ग्रोथ. नेस्टिक मूवमेंट में इमीडिएट एक्शन हो जाती है एज कंपेयर टू ट्रॉपिक मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट में स्लो होती है. ट्रॉपिक मूवमेंट्स यूनिडायरेक्शनल होते हैं. कैसे होते हैं? यूनिडायरेक्शनल. और नेस्टिक मूवमेंट्स नॉन डायरेक्शनल होते हैं, चेंज इन टर्जर. और ट्रॉपिक मूवमेंट में सेल डिविजन होता है, इसलिए वजह से ट्रॉपिक मूवमेंट हो जाता है. ठीक है. नेस्टिक्स, नेस्टिक्स इज द अनदर नेम ऑफ नेस्टिक मूवमेंट. ओके, अलग नाम है. ट्रॉपिज्म मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट. ओके, तो एग्जांपल है डच मिनॉर्ट, मिमोसा, जिसका केमिकल नेम मिमोसा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा, वो सारे हैं नेस्टिक मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट में आते हैं फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, हेटरोट्रॉपिज्म एंड केमोट्रॉपिज्म. ठीक है, और भी पॉइंट्स है जो हम अभी ऐड करेंगे. ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ ना, आप लोग बोलोगे मैम तो सेम कलर. तो एक और चीज़ है इन दोनों में. तो नेस्टिक मूवमेंट कैसे होते हैं? नेस्टिक मूवमेंट्स कैसे? वेट, मैं इधर से बता देती हूँ. नेस्टिक मूवमेंट ना, पूरा नहीं चाहिए था. नेस्टिक मूवमेंट्स, ठीक है, सिर्फ नेस्टिक ले रहे हैं अभी के लिए. कैसे होते हैं नेस्टिक मूवमेंट? नेस्टिक मूवमेंट रिवर्सिबल होता है, टेम्पररी एंड रिवर्सिबल. ठीक है, तो अब ट्रॉपिक मूवमेंट कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं. ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट इरिवर्सिबल होते हैं. मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, पूरा सिबल. तो नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट होते हैं, वेयर एज ट्रॉपिक मूवमेंट कैसे होते हैं? ग्रोथ डिपेंडेंट. ठीक है, निर्भर होते हैं, वो आत्मनिर्भर बन जाते हैं नेस्टिक मूवमेंट. तो इमीडिएट एक्शन वाले होते हैं हमारे नेस्टिक मूवमेंट, वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, चेंज इन टर्जर की वजह से होते हैं. नेस्टिक्स होते हैं, नेस्टिक इसका दूसरा नाम है. और एग्जाम्पल के लिए मिमोसा, विच इज द टच मिनॉट प्लांट, उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? छुई मुई, है ना, छुई मुई बोलते हैं, छुई मुई. टच मिनॉट का दूसरा नाम मिमोसा है और छुई मुई. ठीक है, अब आते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स पर. जो ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं वो स्लो होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं. ठीक है, और ये सेल डिवीजन की वजह से होते हैं. हाँ, ट्रॉपिज्म की तरह भी जान जाते हैं. इसके एग्जांपल है फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट होने पर, और केमोट्रॉपिज्म मतलब केमिकल, जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू. This was the answer to your question, differentiate between tropic and nestic movements. Thank you and have a nice day. Please subscribe our channel to get more answers to your questions.